दर्शक मित्रों, देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्राभिषेक आज के इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। माता दुर्गा की आराधना के लिए आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक दिव्य अस्त्रोत, यानी कि इसको मंत्रा के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग समझेंगे अथ सप्त श्लोकी दुर्गा क्या है। सबसे पहले जानिए, शिव जी कहते हैं माता रानी से, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कार्यों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है श्री अम्बा स्तुति। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा जो महान ऋषि श्री मार्कंडेय पुराण में जिनकी रचना की गई है, आइए संस्कृत में और हिंदी में, हिंदी के जो कि अथ सप्त श्लोकी दुर्गा का जो कि अर्थ है वो आपका स्लाइड शो होगा, बाकी बात मैं आप लोगों को अश्लोक पढ़ करके सुनाता हूँ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा शिव उवाच, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलौ हि कार्य सिद्धियर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच, शृणु देवी, प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहा प्याम्बा स्तुति ही प्रकाश्याते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तो सर्वेस्तः स्मृता मतिमतिव शुभाम ददासि। दरिद्रे दुख खबय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपकार कारण्य सदार्थचित्तः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्रणाय परायणे सर्व अस्यार्तिरे तिरहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगा नशेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कमाल सकल भीष्टान त्वामाश्रिताम तु विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम राश्ययताम प्रयन्ति। सर्वबाधा प्रसस्स मनः त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य स्मृद्वैरिणि विनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम्। आइए इसका हिंदी में जानते हैं। शिव उवाच जो शिव जी कहते हैं और देवी ने जो कहा वो आपने शुरू में सुना, तो आइए श्री दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का अर्थ जानते हैं। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी अस्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी
चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। ध्यान दीजिएगा, ये जो कि मंत्र है, ओम ज्ञानी नापी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दर्शक मित्रों, यह मंत्र दुर्गा माँ का बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली वशीकरण मंत्र है, जिस मंत्र की उपासना और साधना करने से आपकी आकर्षण शक्ति में तीव्र ही वृद्धि होती है और आपका आकर्षक भाव इतना ही प्रचंड होता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपको देखता है तो आपसे बिना बात किए नहीं रह सकता, क्योंकि इस मंत्र का अर्थ यही होता है। कहते हैं कि हे भगवती महामाया, तुम देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच में मोह में डाल देती हो, अर्थात आप ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच को जिसे जिन्हें मोह में डाल सकती हैं उनके लिए क्या कठिन है। हे माते, कृपया मुझे भी अपनी थोड़ी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें थोड़ा आकर्षक भाव में प्रदान करें। आइए नेक्स्ट मंत्र पर चलते हैं। फिर कहता है, नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों को, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली देवी एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली देवी नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। जिन लोगों जो लोग हमेशा भय में रहते हैं, अपने आप को कष्ट में पाते हैं, उन्हें शांति नहीं होती, उनके लिए यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होगा। मंत्र इस प्रकार है, भय भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मंत्र इस प्रकार है, सर्वस्वरूपे सर्वेश्वे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अब आइए सभी प्रकार के रोग व्याधियों को नष्ट करने के लिए अत सप्तश्लोकी दुर्गा में इस मंत्र का उच्चारण जो होगा पहले उसके बारे में समझे। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार से तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं की नाश करती रहो। तो किसी भी प्रकार का विपत्ति हो, रोग व्याधि कष्ट बाधा, उसको दमन करने के लिए अत सप्तश्लोकी दुर्गा में श्री मार्कंडेय जी ने पहले इस मंत्र को लिख रखा है। उन्होंने लिखा है, मंत्र इस प्रकार है, रोग दोष को नष्ट करने के लिए, रोगा नशेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कमाल कमान सकल सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नरानां त्वामाश्रिता हरायश्रयंतां प्रयन्ति। फिर बाधा को खत्म करने के लिए मंत्र इस प्रकार है, सर्व बाधा प्रसस मनः त्रैलोक्य त्रैलोक्यस्या खिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्म अस्मद्वैरिणी विनाशनम्। इस प्रकार से इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। तो अत सप्तश्लोकी दुर्गा
की जो कि महिमा है, इस महिमा में टोटल 7 डिफरेंट प्रकार के प्रभावशाली दिव्य मंत्र दिए गए हैं, जो साधक देवी में श्रद्धा रख करके, उनकी आराधना और उपासना करके, जो साधक इस मंत्र का प्रतिदिन उपासना जाप वगैरह करता है, तो वह सभी कष्टों से मुक्त रहता है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।